कहाँ पे आया है? हाँ गुरु बाबा को बोले थो नियाल करो। हेलो जी, वाहेगुरु, नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। सो उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, बट अपने अपने खर्चे पे। सो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें बहुत ही बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिन लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मतलब इतनी सारी कमेंट्स की के एडिटिंग के हवाले से। तो ये सब कुछ भाई आप लोगों की वजह से, आप लोग हमें लाइक करते हैं। सो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, आई लव यू और एडिटिंग कैसे करते हो। सो ये बस आप लोगों का कमाल है, आप मतलब कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो हम फिर मतलब मोटिवेट होते हैं एंड व्लॉग एंड एडिटिंग जितना अच्छा हो सकता है उतना मतलब उस पर मेहनत लगाते हैं। सो हर चीज़ में बिल्कुल मेहनत तो है, आप लोगों को पता है। सो इस व्लॉग को भी मतलब ये वेलकम टू पार्ट टू, ये मतलब इस कहानी का ये पार्ट टू है। सो इस व्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बंदे और बंदियों के साथ, ये व्लॉग ज़रूर शेयर करें। तो बिना वेस्ट टाइम के चलते हैं पार्ट टू की तरफ। तो जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मतलब व्लॉग को स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो पहले आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, अगर फर्स्ट पार्ट इस व्लॉग का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाइए वो देखें, देन आप सेकंड पार्ट की तरफ आए। अगर आपने फर्स्ट मतलब पार्ट देख लिया है तो ये आपके लिए व्लॉग है। द नेक्स्ट मॉर्निंग।
never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सेकेंड डे पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 6, तो हम चलेंगे अंदर, क्या सीन है तो देखते हैं, आपको भी दिखा दें। दाता तो दीदार ता बोलियो जयकारा बोलियो सचो पातशाह कुटिया पैंजी सतगुर चरण चुहाए पवित्र कई अजी कुटिया पैंजी सतगुर चरण चुहाए गद गद चाज सेवक सबे दिल जी आशा पुजाई गद गद चाज सेवक सबे दिल जी पुजाई दिल जी आशा पुजाई खुशियों खुशियों नर नारी अचू खुशियों खुशियों नर नारी तू पाए दाता तो दीदार बनामा कदम कदम बलहार बनामा कदम कदम बलहार जियो जिए आया नच नचे आया जियो जिए आया नच नचे आया मुझे जीवन जा आधार बनामा कदम कदम बलहार बनामा पूरन जा आधार बनामा कदम कदम बलहार बनामा कदम कदम बलहार सिज सोनू अज आए उभरो सबैलियो बाधायो सिज सोनू दर्शन साई गुम थी वयरू जन्म जन्म ऊंधायू दासा भी का खुशी न आहिन जेड़ी तिर लोकीय में दासा भी का खुशी न आहिन जेड़ी खुशी न आहिन जेड़ी अंदनम जो दे उपदेश कलेश नाशे कली के कलुष विभंजनम स्वामी कली के कलुष विभंजनम संतों के वचन है साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहज दुर्लभ पाइए सत संगत में ठहर सहज दुर्लभ पाइए सत संगत में ठहर संत सहजबाई जी कथन करती हैं साध संग में जानना संतों महापुरुषों के संग में संगत में रोशनी है और प्रकाश है और सब अंधेरा ही अंधेरा है जगत में जितनी भी रचना है सब अंधेरा है
उसमें रोशनी नहीं है। सहजो दुर्लभ पाइए, संत सहजो भाई जी कहते हैं वे दुर्लभ है, सहजो दुर्लभ पाइए। सहजो भाई जी कहते हैं ये दुर्लभ वस्तु है जो कि महापुरुषों ने फरमाया है, सत संगत में ठोर, संगत में जो संगत, सात संगत में जो भगत लोग संत लोग जितने भी इंसान जीव हैं सात संग में आते हैं, जो पहुंच जाते हैं सत्संगत में पहुंच जाते हैं वही असली मकसद को पा लेते हैं। सत्संगत में ठोर, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। वो संगत वह संतों महात्माओं को जी जो महापुरुषों की संगत है वही दुर्लभ है, और वो गुरुमुखों को भी ही बड़े भाग से मिलती है, बड़े भागों से मिलती है महापुरुषों की संगत। संत सहज भाई जी कहते हैं सात संग में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो पाइए सहजो भाई पाइए सत्संगत में ठहर। सत्संगत जो है बड़े भागों से मिलती है, इसलिए आप सब गुरुमुख हैं जिन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत मिली है। हमारे परम दयाल महाराज जी या जो ये सिलसिला बहुत अच्छा है, ये गुरुमुखों के लिए है, गुरुमुख हैं वो भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री परम दयाल महाराज जी की संगत सब सौगत मिली है, और उन्हें श्री अनंत दरबार की संगत मिली है, वही भाग्यशाली। महापुरुषों की संगत और सौगत हर इंसान को नहीं मिलती, उनकी संगत यहाँ दुनियादारी तक ही मिलती है, हम लोगों की संगत है। वक्त के महापुरुष ही जीव को सच्ची संगत में सच्ची संगत बतलाते हैं और सच्ची संगत के में जाते हैं। तो आप सब गुरुमुख हैं, सच्चे रास्ते पे लगे हैं, सुख सुख शांति, जिसको सुख और शांति मिलती है सही मायने में वो आप जैसे गुरुमुख ही हैं। इसी गुरुमुख को आपको हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ये पांच नियम बताए हैं, पंचम पातशाह महाराज जी ने, आप लोग सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, इसलिए आरती पूजा भजन अभ्यास दर्शन ध्यान सेवा सत्संग आप लोग जब आप लोगों को बताया जाता होगा इसलिए आप सब इन नियमों की पालना करें। और इसके अलावा हमारे प्रथम पातशाह महाराज जी ने ये जो दो वचन फरमाए हैं कि हर गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार का सेवक दो घंटे भजन अभ्यास करे, बहुत करके आप लोग करते होंगे, अगर कोई नहीं करता ना वाकिफ है तो उसको ये करना चाहिए कि दो घंटे भजन मुझे करना, और वो अपने महात्मा जी से या जो इस चीज़ तक पहुँचे हुए हैं उससे नाम ले, नाम दीक्षा लेके दो घंटे भजन सब पूर्ण करते हैं। आप लोग सब भजन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग करते होंगे, जो नहीं भी करते तो दो घंटे भजन वो करें, चाहे वो आधा आधा घंटा करके करें, 15-20 मिनट कर करें, लेकिन दो घंटे भजन सब गुरुमुखों को पूरे करना तमाम ज़रूरी है। इसलिए सब गुरुमुख हैं, इसी कार्य में लगे होंगे, भजन करते होंगे और पांच नियमों की पालना करते होंगे, बस नियम की पालना करते और भजन अभ्यास करने उसी से ही इसी जीव का भला है। बाकी दुनिया की चीज़ें तो यही रह जानी हैं, कोई भी साथ नहीं जाता, लेकिन साथ न चाले बिन भजन,
ਪਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਨਕ ਏ ਧਨ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਬਾਣੀ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਧਨ ਸਾਰ, ਯਹੀ ਸਾਰ ਧਨ ਹੈ, ਮੂਲ ਧਨ ਯਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਯਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਜਪ ਜਾਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੁੰਨ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੇ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਗੁਰੂ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਗਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੇ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਇਨ ਪੰਜ ਨਿਯਮੋ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਗਮਾਂ ਫਿਕਰ ਸਭ ਵਿਆਗਰੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਗਮਾਂ ਫਿਕਰ ਸਭ ਵਿਆਲਹੀ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਹਾਰਾ ਵੱਲ ਦੇਸੀ ਨੇੜ ਪਿਆਠਰੀ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਬ ਦੇਸੀ ਨੇੜ ਪਿਆਠਰੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਮਾਂ ਫਿਕਰ ਸਭ ਵਿਆਗਰੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਮਾਂ ਫਿਕਰ ਸਭ ਵਿਆਲਹੀ, ਜਟ ਸਾਰੀ ਥੀ ਅਰੇਸ ਕਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਵਾਜੁ ਕਰੇ, ਦਿਲੜੀ ਅਸਾਜੀ ਨਥੀ ਦਾਪੇ ਦਨ ਤਵਾਜੁ ਕਰੇ, ਦਿਲੜੀ ਅਸਾਜੀ ਨਥੀ ਦਾਪੇ ਕਰੇ ਸੀ ਪਾਉ ਬਟਦੀ ਆਇਆ, ਕਰੇ ਸੀ ਪਾਉ ਬਟਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੀ ਅਰਜ ਕਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਵਰੀ ਖੁਸ਼ੀਨ ਜੋ ਡੀ ਆਯੋ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਡਜੀ ਮਲਾਯੋ ਆ, ਅਚੀ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਰ ਜੋ ਮੀਂਹ ਵਸਾਯੋ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਯੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮਲਾਯੂ ਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਯੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮਲਾਯੂ ਤਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਤਦਸੀ ਬਾਗ ਪਾਯੂ ਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਯੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮਲਾਯੂ ਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਯੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮਲਾਯੂ ਤਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਤਦਸੀ ਬਾਗ ਪਾਯੂ ਤਾ। ਸੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਹੋਂਗੇ, ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹਮੇ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਮ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਯੇ ਵੋ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਸਾਈਡ, ਮਗਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕੋ ਹੱਕ ਵੀ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਤੇ, ਹੋਲੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਵਲੋਗਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਲੋਗ ਕੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੋ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਲੋਗ ਕੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਕੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਤੋ ਬਾਈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਕੀਆ ਕਿ ਯੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾੜੀ ਵਾੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਮੇ ਕਿਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ,
सुनाटर लोंडिया कोटो गरीब हूँ चा। सो ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं उस दिन मतलब दरबार से आया था, तो मतलब जल्दी जल्दी में मैंने कहा यहीं पे गाड़ी पे शूट कर लेता हूँ। सो मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी आएगी बैकग्राउंड। सो बाद में मैंने अपना व्लॉग फुल देखा कि वाकई ये मतलब बैकग्राउंड अच्छा आ रहा था। सो फिर मतलब मैंने कहा सेकंड पार्ट का भी गाड़ी में शूट कर लेते हैं, क्योंकि यार ऊपर मतलब जब घर में तो कभी फैमिली आ जाती है, कभी बच्चे आ जाते हैं भाई डिस्टर्ब करने, गाड़ी में कोई तंग कर लेवाना नहीं है, जो चाहो जो बोलो। सो ये सही है, बाकी गाड़ी यार बस ये भी वाहेगुरु की कृपा है। सो ये इसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, न्यू कार माय न्यू कार ये टाइटल है। डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक में चलो डाल देता हूँ, आप इंजॉय करें। सो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त और होस्ट सोनू लखवानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पंहिंजे गुरुअ तां जान कुर्बाना।